भगवानपुरा जनपद के ग्राम जूना बिलवा खारक डैम से धुलकोट तक पक्के सड़क निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को मुख्यालय पर आदिवासी समाजजनों ने प्रभावी प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों को कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर रोके जाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर ही धरना दे दिया। जागृत आदिवासी दलित संगठन और जेएस के बैनर तले हो रहे प्रदर्शन की पूर्व सूचना के चलते भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग की गई, इससे रैली में शामिल ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि कलेक्टर ने दिवाली के समय उन्हें आश्वासन दिया था कि रोड का काम जल्द शुरू करेंगे, लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। नतीजतन हम कलेक्टर को उनका वादा याद दिलाने आए। कई बार गांव में सड़क निर्माण की मांग प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से कर चुके हैं। अगर अब इस जायज मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। अपना हकन करता अपन का इज्जत आगुन छु नहीं पसंद से अगर असहाय हम झटमेल तो लागे हम लुचाई करता लागे ती तार देखार दे कि हमरा भिलवा गांव में कासारी रोड बन से हमरे जुगु सो हम आज छुट्टी बात ली नहीं रे हमरे तब एम्बुलेंस गाड़ी नहीं जा रहे बात भाई डिडोरी हो जाती तर वाइटी मोर जाए कोई कैसे हमरे जा डिडोरी मोर गया तेरे जिम्मेदार आज कलेक्टर हो से अपन तेरना से एफआईआर करासु सब मारसे मंजूर सके भाई भेड़ आवाज आने देखे रोड से जा भी देखे था रोड से बाकी हमरो गांव आज कम से कम 70-75 साल से देश आजाद हो लोही जे तीन दाखले हमरो गांव से बाखन आज तो हमरा गांव में कोई रोड न व्यवस्था नहीं है हमो को कलेक्टर एसडीएम को इतु कहे कि हमो का मुहर मात्र भरते हमरी आवले जानन व्यवस्था हो जासे एम्बुलेंस व्यवस्था हो जासे समय पर आसे कहियो ते एसडीएम साहब कोई कि तीन दाखला में तुम रोड बन जासे कह देतो आज तीन दहाड़ा ने 6 महीना है गया तो कहीं तीन घंटा में मुर मिटा रही पक्की सड़क ने बात करी कि दिवाली बाद तुम्हारे पक्की सड़क मंजूर हो जाए डामरीकरण हो जाए कहते तो आज कहानी दिवाली बात चौ पुषण कर हम रोड मांगने नहीं आई रहा हम बिजली मांगने नहीं आई रहा बाखन दिवाली कहानी रोड ताकि हम कहते मालूम हुए कि ओली कहानी दिवाली से हम दिवाली पुषण आई रहे कि भाई दिवाली कहानी रोड तीन दिवाली तक हम इंतजार करते अब ये नहीं कहने पाई कि जो पैसा काम से रोड आजू दाम आई रहे आजू दाम रोड आते से हम तो दिवाली पूछ रहे कि दिवाली कहा नहीं रह रही हमारी समस्या ये है पिछले 6 महीने से हमारे गांव में कलेक्टर साहब एक अबला भेजी थी जो एसडीएम साहब वगैरह सारी टीमें गई थी और उन्होंने कहा था कि 3 दिन में तुम्हारे रोड में मुरीकरण हो जाएगा और 3 दिन में तुम्हारे आने जाने की समस्या दूर हो जाएगी लेकिन बाकी समस्या जो दिवाली के बाद दिवाली के 8 दिन से हम तुम्हारे रोड की डामरीकरण की व्यवस्था करेंगे ऐसा बोला था लेकिन अभी 6 महीने निकल गए अभी तक दिवाली नहीं हुई इनकी तो अभी कौन सी दिवाली बची हम उनका उनसे कलेक्टर साहब से ये जवाब लेना चाह रहे हैं अभी दिवाली कौन सी बची है जो आदिवासी की समस्या के लिए अभी दिवाली का रास्ता देख रहे हैं रोड पे कौन बैठे आप हम रोड पे इसलिए बैठे हैं कि हम हमारा हक मांग रहे सरकार चाहती है कि हमें हक ना मिले और हम यहाँ से वंचित होकर वापस चले जाए लेकिन हम भी उसमें के नहीं है जो यहाँ से मुकर के वापस चले जाएंगे हम जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हमें जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम इस रोड को नहीं छोड़ेंगे ये कौन से गांव की सड़क की ये हमारे धुलकोट पंचायत ग्राम जूना बिलवा की रोड की समस्या है उसी ग्राम पंचायत में एक दगड़खड़ी गाँव है उस गाँव का रिकॉर्ड गुम हो चुका है उसका कम से कम 50-70 साल से उस गाँव में काश्तकारी कर रहे हैं लेकिन आज तक उस गाँव का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है और दूसरी एक बेनोले पंचायत की है जहाँ अभी तक 24 घंटे की बिजली प्राप्त नहीं हुए न पानी की व्यवस्था हुई है न रोड की व्यवस्था हुई है यह सारी समस्या को लेकर हम सरकार को अवगत करना चाहते हैं कि हम इस देश के मूल मालिक कब तक ऐसे रोते रहेंगे कब तक ऐसे धोखे खाते रहेंगे क्या नाम आज पूंजीपति लोगों के लिए लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्ची करती है इनके स्वागत के लिए और हमारा हक मांगते रोड के लिए बिजली के लिए मिल नहीं पाए क्या कलेक्टर साहब हमें अभी बता रहे हैं शासन प्रशासन कि कलेक्टर साहब अभी नहीं है वो आएंगे तभी हम कुछ बोलेंगे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे परिसर में हमें जाने के लिए मना कर रखा है इसलिए हम रोड पे बैठे हैं मेरा नाम बलिराम सुले ग्राम जूना बिलवा पोस्ट धुलकोट तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन हम ये समस्या लेके आए हैं कि धुलकोट से हाई सेकेंडरी स्कूल से खारक डैम तक और रोड की समस्या रोड नहीं है कोई 75 साल हो गया लेकिन आज भी हमारे गांव में रोड नहीं बना है इसलिए हम रोड के मांग के लिए यहां कलेक्टर ऑफिस में धरना पर बैठे हैं।
पहले भी आए थे, पहले भी कई बार हम कलेक्टर को आश्वासन दिए है, ज्ञापन भी दिए है, और हमारे गांव में खुद भी कलेक्टर गए थे, हमको आश्वासन दे के आए कि दिवाली बाद हम चालू कर देंगे तुम्हारा रोड, लेकिन आज तक हमारा रोड का काम कहीं शुरू नहीं हुआ और कहीं बात नहीं बता रहा। ये कलेक्टर जा रहे थे यहाँ रोड पे क्यों बैठ गए? तो हमको कलेक्टर में जाने से रोक दिया और हमको रोड पे बैठना पड़ रहा है मजबूरी से। उसके अलावा बिजली की समस्या है और कुछ कुछ गांव में बिजली 24 घंटा की बिजली भी नहीं, बेनोलिया पंचायत मुरदड़ में भी नहीं और हेला पड़ावा यहाँ पे बिजली नहीं, समस्या का निराकरण नहीं होता है तो निराकरण नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवराम कना से, जागृत आदिवासी दलित संगठन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।